तो शुरू से शहर जो है कितना बदला, जो तो कितनी भीड़ भाड़ बढ़ी। पहले कैसा था यहाँ पर? पहले 3-4 लाख की आबादी थी। हाँ। आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा की आबादी थी। हाँ। गांव के लोग शहरों में आके बस गए, सुबह से शाम तक बस इसी तरीके से बसता ये इलाका। हाँ, इसी तरीके से चलता है, शाम टाइम बढ़ जाता है। नहीं, दोपहर में थोड़ी मक्का रहता है। और एक चीज और जानना चाहेंगे, मतलब पहले भी यहाँ पे इसी तरीके से ये बिल्डिंग से बनी हुई थी कि ये पिछले 10-15 साल के अंदर इतना बदलाव? अरे नहीं, ये सब पुरानी है, बहुत पुरानी। हाँ। है पहले का। हाँ। समझो जी, आज की डेट में 17 फुट की जगह है जी। अब तोड़ के बना है तो 9 तो सरकार का चाहिए। अच्छा, बताओ ना। बिल्कुल। और जबलपुर का राजनीतिक मिजाज क्या? बस ये सब ना। अच्छा, ये ना। और यहाँ पर आप ये जो सबसे पुरानी दुकान है, कौन कौन लोग पान खा के यहाँ से जा चुके हैं, संतुष्ट होके जा चुके हैं? कौन बड़े लोग, तो नामचीन हस्तियों के नाम अगर आप बता पाए तो? जैसे हमारे पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन जी, एक प्रहलाद पटेल जी, अजय बिश्नोई जी, सब यहाँ से पान खा के जा चुके हैं। कितनी पढ़ाई की है आप? मुझे बताने ना यार, 3 बार 8वीं पढ़े। अच्छा, फेल हो गए। 14वीं मास्टर ने लात मार के भगा दो, बोलने लगे भैया जाओ, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, डर जाए। हमने छोड़ दी, बहुत पढ़े लिया है कि क्लास में छोटे, अब जाओ। ये क्या है कावड़े? जो तो हम खोज रहे थे कि आखिर है क्या ये चीज। जबलपुर में बहुत सारे लोग बोलते हैं, रेगुलर भाषा है ये। हाँ। अच्छे शब्दों को जो प्रयोग होता है ऐसा ही होता है। संस्कार धानी की। हाँ, एक पहचान का। हाँ, शब्द है ये, मतलब आप बड़ों को एक या छोटों को इज्जत से जो मानते हैं ना, ये शब्द छोटों और बड़ों को। जैसे हम तुमसे बोले और बड्डे, तो तुम्हें कछुए में बुरू ना लगे, बुरा नहीं लगे। और हम बोले काहे में बुरा लगे, यहाँ बुंदेली लैंग्वेज का टच है। बिल्कुल सादगी पसंद है यहाँ की चीजें। हाँ, ज्यादा चीजें बढ़ा चढ़ा करके नहीं डाली जाती हैं। यही यहाँ की पहचान है, यही यहाँ की विशेषता है। बढ़िया है, सादा है और अच्छा। जिस जगह पर हम हैं, ये जगह है बड़ा फुहारा, और जिस दुकान पर हम हैं, ये दुकान 100 साल से भी ज्यादा उम्र तय कर चुकी है। 3 पीढ़ियां हैं, वो 3 पीढ़ियां क्रमबद्ध तरीके से इस दुकान को चला चुकी हैं, और अब 4थी पीढ़ी यहाँ पर दुकान पे मौजूद है। ये जगह है देवा मुगौड़ी वाली दुकान, जो 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 2018 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगभग 103 वर्ष पे ये दुकान है, और ये भैया हैं, इनसे हम बातचीत करके जानते हैं इस दुकान के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और इस विशेषता के बारे में। भैया, देवा भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं, दुकान
कब, मतलब आपके दादाजी ने शुरू की थी? हाँ। दादाजी ने शुरू की थी, फिर आपके पिताजी ने इसको चलाया, फिर उसके बाद आप लोग चला रहे। तो क्या कारण है जो ये एक कमाल का हुनर, एक प्रकृत का चमत्कार कहें या आप लोगों की ये साधना कहें जो आप कर पाते हैं? आपको दिखा रहे 5 मिनट जी। हाँ तो चलिए, ये देख करके हम लोगों को ही डर लग रहा है, लेकिन गुरु जी की कृपा है और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो ऐसा यहाँ पर कर पाते हैं। गरम तेल में पूरी तरीके से हाथ डाल के ये हम यहाँ पर हाथ अपना रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जल रहा है। मुखौड़ी के अलावा और कौन सी चीजें यहाँ बनाते हैं आप? तो जब शुरुआत की गई थी इस दुकान की आपके दादाजी के द्वारा, कितनी बड़ी दुकान थी, कहीं बताया होगा उन लोगों ने आपको? हाँ। और आप कितने साल जी बाहर थे और आप कितने वर्ष से इस दुकान में रहते हैं? 25 साल। और गुरु जी की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीजें। कितनी पढ़ाई लिखाई की है आपने? पापा ने तो LLB किया। LLB किया और आप? तो LLB करने के बाद फिर पूर्वजों का जो ये व्यवसाय कहें, साधना कह सकते हैं इसको, तो उसी चीज पे आप लोग आ गए थे। आपके पहले दुकान बाहर साइड थी? 90 में। अच्छा, 1990 में। 1990 में दुकान को यहाँ अंदर शिफ्ट किया गया, तो वही बिल्डिंग है या फिर इसको चेंज किया गया? नहीं, पहले बिल्डिंग नहीं थी, पहले मेन रोड पे थी बिल्डिंग। अच्छा, अभी बनी। पहले ये मेन रोड पे थी, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग बनी अंदर आई जी। आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई थी? बी कॉम किया है आप लोगों ने, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। आपके पिताजी भी LLB थे, उसके बाद ये जो पैतृक एक व्यवसाय है उसी को संभाल रहे हैं। कभी लगा कि मतलब शायद नौकरी की तरफ जाना चाहिए जब पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान लगा हो या उसके बाद भी? नहीं, भी ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इसी धंधे में आना पड़ा। अच्छा, बड़ा फुहारा की 90 साल पुरानी दुकान जिसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।